down. Hey guys, welcome to the new vlog. आज हम लोग आ चुके हैं देवदरहा उड़ीसा में. पदमपुर रोड तरफ आना पड़ता है सरायपाली से, और लगभग 28 किलोमीटर के आसपास है, 25 या 28 किलोमीटर उड़ीसा पड़ता है ये. और छत्तीसगढ़ क्रॉस करके आपको उड़ीसा आना है. साथ में है रवि भैया और हेवंत भैया और शुभम भाई हैं साथ में. तो अभी फ़िलहाल ऊपर मंदिर है, ऊपर आप मेरे देख सकते हो, यहाँ पर मंदिर है. मंदिर चढ़ेंगे और आगे है वाटरफॉल. यहाँ पर से आवाज़ आ रहा होगा आपको, ये पूरा वाटरफॉल है, तो उधर भी जाके दिखाएंगे. यहाँ पर आने के लिए आपको गूगल मैप में डालोगे देवदरहा मंदिर टेम्पल आता है, या फिर देवदरहा वाटरफॉल. देवधारा नहीं है, देवदरहा है, स्पेलिंग देख सकते हो आप यहाँ पर. तो चलो फिलहाल ऊपर चलते हैं, मंदिर आपको दिखाता हूँ, फिर झरना जाएंगे. ये है मंदिर महादेव का, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है. तो यहाँ पर नंदी है, शिव जी का मंदिर है ये. ये यहाँ पर एक छोटा सा और मंदिर है, और ये मंदिर काफ़ी बड़ा दिख रहा है मंदिर. तो ये है मंदिर का एंट्रेंस, जो कि अभी पट बंद है. नंदी जी दिख रहे हैं, शिव जी अभी अंदर विश्राम कर रहे हैं. आप देख सकते हो अभी पानी बहुत भरा हुआ है, अभी और पानी भरेगा इसमें, यहाँ तक पूरा पानी आएगा. चलो आपको नीचे चल के दिखाता हूँ. तो मंदिर के ही साइड से सीढ़ी है उतरने का, और यहाँ पर से उतरेंगे. यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं, देख सकते हो यहाँ पर नहा रहे हैं. और पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहाड़ है, ये पहाड़ है, और ये बीच में वाटरफॉल. वाटरफॉल अभी थोड़ा दूर है. यहाँ पर देखो पानी चल रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है. वाटरफॉल के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर झरना मिलेगा हमको. और ये पूरा वाटर बॉडी है, और बहुत पानी भरता है यहाँ पर. हम लोग नीचे से आ रहे थे, लेकिन वाटरफॉल यहाँ ऊपर से पड़ेगा, यहाँ पर से ऊपर से जाना है हमको. हम लोग भी रास्ता भूल गए, और यहाँ पर से हम लोग अभी आए हैं, लेकिन ऊपर ऊपर ही जाएंगे, नीचे से भी जा सकते हैं. और ये देखो यहाँ से मंदिर दिख रहा है, और पानी बह रहा है बहुत सुंदर. अभी फ़िलहाल कुछ लाए हैं नाश्ता, तो उसको कर लेते हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे. ये देख सकते हो नाश्ता लाए हैं, समोसा वगैरह, तो इसको खाएंगे, उसके बाद चढ़ेंगे और नहाएंगे भी वहाँ. तो ये है हमारा नाश्ता, मिर्ची चटनी आ चुका है, और अंदर में है समोसा और चना चटनी है ना, चना चटनी. गाइस हम लोग अभी ऊपर चढ़ चुके हैं, देख सकते हो बहुत सुंदर दिख रहा है, ये पत्थर ही पत्थर और घास उगा हुआ. वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, आपको नीचे उतरना नहीं पड़ेगा, यहाँ से मंदिर से सीधा सीधा रास्ता आता है. मंदिर से आओगे तो ये पगडंडी बनी है, आप इसी में से आओगे, और हम लोग नीचे से चढ़ के आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर मिल गए, और यहीं से आगे चलते जाना है. आपको दिखेगा ये पगडंडी वाटरफॉल के लिए. ये है रास्ता, जंगलों के बीच से होके जाना है. पगडंडी आपको दिखाई देगा पूरा एंड तक, इसमें आते जाना है, और लोग भी आते हैं यहाँ पर. अभी रास्ते में कुछ लोग मिले, और यहाँ से थोड़ा दूर और बचा है. चलते चलते थोड़ा हालत ख़राब होगा, लेकिन व्यू दिखेगा, वो वर्थ है आपके आने के लिए. तो ऐसा आपको छोटा छोटा चट्टान मिलेगा, इसको क्रॉस करके आपको आना है, और यहाँ से व्यू आपको दिख जाएगा झरना का, बहुत ही खूबसूरत. और यहाँ पर संभल के नीचे उतरना है, थोड़ा फिसलन हो सकता है, बारिश में आओगे तो और ज़्यादा फिसलन होगा. यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर. और ये देखो भैया फिसलते हुए जा रहे हैं. तो यहाँ पर से हम लोग कूदेंगे और नीचे जाएंगे, उसके बाद मेरा व्लॉग नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर से कूदना कैंसिल. वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा होगा, वो वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे हम लोग. लेकिन यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है एकदम. तो मेरे पीछे व्यू बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर नीचे पूरा खाई है, और यहाँ पर से आगे इस साइड जाएंगे हम लोग झरना में, वाटरफॉल है वहाँ पर. बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ पर, देख सकते हो, और पूरा खाली सुनसान, कोई भी नहीं है यहाँ पर, पूरा खाली, पूरा वहाँ से पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, बीच में पानी बह रहा है पूरा, और वाटरफॉल चल रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है. आपको भी यहाँ आना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के पास ही है, उड़ीसा है, इसका मतलब दूर नहीं है. छत्तीसगढ़ आप एंटर, जैसे ही उड़ीसा एंटर करोगे, आपको 7 से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आपको पड़ेगा उड़ीसा में अंदर. अभी इधर से आगे ही जा रहे हैं हम लोग, और नीचे उतरना स्टार्ट कर चुके हैं.
थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई है, फिर आपको नीचे उतरना पड़ेगा झरना के लिए, और झरना का बहुत तेज़ साउंड आ रहा होगा, दिखाता हूँ। और यहाँ पर से व्यू दिख रहा है, बहुत तगड़ा व्यू, आपको मैं पीछे का दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको झरना दिखाई दे रहा होगा, वहीं जाना है अपने को, और यहाँ पर से नीचे उतरना है। चलो चलते हैं। पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है पूरा, और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ उड़ीसा के आसपास और सरायपाली के लोग जानते हैं, लोग आते भी हैं, बट ये पथरीला इलाका पूरा देख सकते हो कितना सुंदर व्यू दिखता है, बहुत ज़्यादा। और पास में ही है, आप पिथौरा से भी आएंगे तो बहुत पास पड़ेगा आपको, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। और हम लोग तो बाइक से आए हैं, अगर आपको कार से आना है तो आप कार से भी आ सकते हैं। कार से आएंगे तो थोड़ा सा ख़राब रास्ता पड़ता है, बाइक में भी ख़राब रास्ता है, पर आप जैसे ही उड़ीसा टच करेंगे, उड़ीसा क्रॉस करेंगे, आपको ख़राब रास्ता मिलना स्टार्ट हो। छत्तीसगढ़ तक बहुत अच्छा रोड है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे ही क्रॉस करके आप बॉर्डर क्रॉस कर लोगे उड़ीसा का, उड़ीसा में पूरा ख़राब रास्ता स्टार्ट हो जाता है। और ये देखो भैया कहाँ पर चढ़ गए हैं, छोटा सा चट्टान है ऊपर में। ओ माय गॉड, देख सकते हो व्यू बहुत बड़ा, वहाँ से देखो झरना आ रहा है, वहाँ पर जाएंगे अभी। और ये पानी पूरा आ रहा है यहाँ तक, और आगे और बड़ा वाला झरना है देख सकते हो यहाँ पर। गाइस यहाँ से नीचे उतरना है, थोड़ा सा खतरा है क्योंकि स्लिपरी है, पानी जो झरना से उड़ रहा है वो सब आके पूरा यहाँ भिगा दे रहा है इस चट्टानों को। बहुत सुंदर, आपको झरना का व्यू अभी तक नहीं दिखाया ना, मैं दिखाता हूँ, रुको उतर के। तो ये है झरने का व्यू, बहुत ही शानदार दिख रहा है। और शुभम भाई लोग ऊपर में है, मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ। यहाँ से झरना बहुत सुंदर दिख रहा है, यहाँ पर तो आप नहा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खतरा है। और अभी पानी और भरने वाला है, आप देख सकते हो ये यहाँ का व्यू है, बहुत ही शानदार, एकदम अद्भुत नज़ारा है ये। और इतने करीब हमारे ये नज़ारा है, बहुत सुंदर। और मैं अभी ऊपर से आया हूँ, देख सकते हो यहाँ पर से, और आप यहाँ तक जाना है तो जा सकते हो, लेकिन संभल के जाना। बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ मैं, और बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का, देख सकते हो पूरा। बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ नीचे उतर के आ चुका हूँ, यहाँ पर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मैं, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, और पानी का वो भी आ रहा है। तो इधर रवि भैया भी आ चुके हैं, और वो भैया उधर है, और यहाँ पर है वाटरफॉल। देख सकते हो एक मछुआरा है जो कूद चुका है यहाँ पर, और इतने गहरे और बहते हुए पानी में कूदा है। तो ये पूरा पानी आ रहा है यहाँ पर से, और ये काफ़ी गहरा है, और यहाँ पर से होते हुए वहाँ पर झरना बहता है जो आपको दिखाया मैं अभी। और यहाँ का पत्थर देख सकते हो, लाल लाल पूरा दिखता है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है पत्थर, बहुत ही साफ़ सुथरा है। प्लीज़ आएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा ना फैलाएं। और ये लाल लाल पत्थर दिख रहा है, आप इसको छू के देखोगे ना, बहुत ज़्यादा चिकना पत्थर है। कभी कभार रेती में बह के आता है पत्थर, आप देखे होगे रेती में पत्थर होता है लाल लाल या पीला पीला, वैसे ही ये चिकना पत्थर है बहुत। आप इसको छू के देखोगे ना कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो गाइज अभी फ़िलहाल यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और जाएंगे सीधा घर, क्योंकि टाइम हो चुका है और नहाने का अभी टाइम नहीं है, और दूसरी बात पानी बहुत गंदा है, गहरा है,
तो हम लोग नहीं नहा रहे हैं, बाकी आप नहा सकते हैं आके। इतनी दूर आके वीडियो बनाया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।